बेसिक परसेंटेज भी बेस हमारा फिर आ जाता है, आपका कहना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में आ जाता है डिस्काउंट, इसी में फिर आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसी में आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तो ये अपने आप में टॉपिक बहुत अच्छा है। एक हमने जो दो टॉपिक लास्ट टाइम करे हैं, वर्क एंड टाइम और स्पीड डिस्टेंस टाइम, और एक ही रेशो, बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एक दो वाले क्वेश्चन। अदरवाइज ये वाले टॉपिक्स हमेशा आपको हर एग्जाम में लॉ हो, बीए हो, एमबीए हो, ये ध्यान। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, पहले सबसे सिंपल अगर रेशो प्रोपोर्शन की मैं बात करूँ, तो पहले हम बात कर रहे हैं रेशो। तो रेशो सीधा सीधा सा होता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज और मोर देन टू क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो इनमें क्या रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज करो इसका वेट 20 केजी है और इसका वेट 30 केजी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन। तो रिलेशन निकालने का सीधा सीधा सा तरीका होता है बाय डिवाइड कर 20 बाय 30। तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इस चीज को भी हम यूज करेंगे। तो होगा क्या कि दोनों में जो कॉमन नंबर होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमने कॉमन नंबर कैंसिल कर, तो हम कह सकते हैं ये अगर 2 है तो ये 3 है, तो इसको कहते हैं 2:3, और दैट इज कॉल्ड रिलेशन। और ये जो हमने कट किया है ये दोनों में सेम होता है, और सेम को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, तो इसको हम कहते हैं रेशो कॉन्स्टेंट। अगर कभी हम वापस इसको लिखेंगे तो हम उसे कहेंगे रेशो कॉन्स्टेंट। सपोज करो अगर मैं कहने लगूं कि ए का वेट 2:3 है, तो लेट ए वेट बी, लेट जब करेंगे तो हम a को लेंगे 2x, तो b को लेंगे 3x। तो x यहाँ पे यही नंबर है जो हमने कैंसिल किया है, कि जो दोनों में कॉमन था उसको जो हमने कैंसिल किया था उसे वापस सपोज करें कि व्हाट इज x, ये हमारे पास होता है। तो सिर्फ इतनी सी ही बात है। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी आपको रेशो लेना होता है आपको ये ध्यान रखना होता है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। सेम यूनिट का क्या मतलब है, अभी मैं कह रहा था ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, और ये है 2 kg और ये है 200 ग्राम। अब इन दोनों में कोई रेशो नहीं, ध्यान रखिए। क्यों, जब तक इनमें रेशो नहीं होगा जब तक आप इन सब दोनों को सेम यूनिट में नहीं कर लेंगे। तो सेम यूनिट का मतलब है आप 2 kg को भी ग्राम कर लीजिए, वो हो जाएगा 2000 ग्राम। तो जब 2000 ग्राम हो जाएगा तो फिर अब आप कैंसिल कर सकते हो। तो कैंसिल क्या हो रहा है, दोनों की 20 कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों की 20 कैंसिल हो जाएंगे तो 20/2 आ जाएगा, 20 को भी 2 से भी कैंसिल कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब रेशो क्या हो जाएगा, 10:2। ये मतलब, तो जब भी आपको रेशो लेना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेम यूनिट पे। अब अगर हमारे पास क्या है, सिंपल इसी पे ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन यहीं पे ले लूँ कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल, a:b:2:3, ये हमारे पास ये है। आपसे कह सकता है कि भाई हमसे कह दे 2a+b and 2a-b की वैल्यू निकाल, ये इतना सा क्वेश्चन दे दिया आपसे, a:b:2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a+b and 2a-b। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, जब इस तरह से दिया हो तो दोनों ऑप्शन क्या है कि आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि a को 2x ले लो और b को 3x ले लो, और a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ आप प्लेस कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 into 2x plus 3x 2 into 2x minus 3x, तो 4 plus 3 7 and 4 minus 3 x, तो आपके पास आंसर आएगा 7। लेकिन क्योंकि ऊपर नीचे ये भी कैंसिल होना है, इसमें मैं आपसे वैसे ही कह रहा हूँ शॉर्ट में, आप डायरेक्ट ए और बी को अगर 2, 3 भी रख दोगे तब भी आंसर यही आना, मतलब 2 into 2 plus 3 and 2 into 2 minus 3, तो 2 2 4 3 7 and 2 2 4 minus 3 1, ये भी मैं। तो एक तो क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा सा ये हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिवाइड 200 रुपीज
इनटू 2% डिवाइड 200 रुपीज बिटवीन 2%। द रेशो 2:3 ये तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, दो चीजें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास टोटल। तो जो ए का पार्ट है वो 2 है, जो बी का पार्ट है वो 3 है और जो टोटल है वो 200। तो यहाँ भी आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ए को सपोज कर लें 2x, बी को सपोज कर लें 3x, टोटल 200 ही रहेगा। तो 2x plus 3x is equals to 200. तो आपके पास क्या है 5x is equals to 200 और x is equals to 200 by 5 40. ये आ जाएगा आपके पास 40. जब आपके पास x आ जाए तो x को आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 into 40 वो कितना हो जाएगा 50 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या कितना हो जाएगा 1। तो ये है हमारे पास, लेकिन अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे और वो ही हमारा शॉर्टकट। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास टोटल, ये भी सिर्फ लिख रहे हैं वरना इसकी जरूरत नहीं। ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है और ये हमारे पास 200। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सपोज करते हैं कि भाई ए हमारा, ये हम ये लेते हैं कि भाई ए और बी टोटल कितने हैं, कि ए और बी टोटल है 5, ठीक है। तो 5 टोटल है, तो 5 अगर टोटल है तो उस 5 में ए का पार्ट कितना है, तो हम कह सकते हैं सर ए का पार्ट 2 है। तो हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, यहाँ देखो इधर ए इज 2 आउट ऑफ 5, पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ हाउ मच इन 200, ये हमारे तो इसका मतलब हम इस तरह से लिख लेंगे, ए जो है वो 2 है, इसमें से 5 में से, तो 200 में से कितना होगा इन टू 200 का सीधा आंसर आएगा, 5 से बेटा आप कौन से करोगे तो 40 आएगा, तो 42 जा कितना आ गया 80। इसी तरह से अगर आपको बी निकालना हो, बी है 3 आउट ऑफ 5 हाउ मच इन 200, ये आपके पास आ जाएगा तो 43 जा 1। दूसरी बात, अगर एक मालूम हो गया और टोटल मालूम है तो माइनस करके निकाल सकते हो, क्योंकि अगर टोटल हमारा 200 और एक हमारा 80 आया तो ऑटोमेटिकली दूसरा हमारा 120। दूसरी बात यह है, रेशो का मतलब परसेंटेज भी होता है। 120 इधर देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ये ए है, तो ए है 2 और ये है बी, बी है 3, तो ए की परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ए की परसेंटेज, कि भाई ए है 2 आउट ऑफ 5 हाउ मच इन 100, तो 42 जा 80, 80% हमारा है। ये मतलब ठीक है, 2 है आउट ऑफ 5 हाउ मच, ये हम गलत कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं परसेंटेज कैसे 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आए, तो 22 जा 40%, तो इसका मतलब ए का शेयर 40%। तो अगर ए का शेयर 40% है तो बी का अपने आप ही समझ में आ गया 60%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर 200 था तो 40% ऑफ 200, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, और बी का क्या था 60% ऑफ 200, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो रेशो से परसेंटेज भी आप कंसीडर कर सकते हो, रेशो को दोनों तरीके से एक्स में लेके भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हो। तो बेसिक मेन क्वेश्चन पहले इसी छोटे से टॉपिक पे बन जाते हैं बहुत सारे। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि अब हम इसको ज्यादा ले लेते हैं, कि भाई आपसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 300 को डिवाइड करो, डिवाइड 300 टू द रेशियो ऑफ 2:3:5, ये मतलब तो आपसे क्या कहा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट पार्ट बताओ, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा तो बता सकते हो, थ्री हंड्रेड को 2:3:5 में डिवाइड करना है तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट पार्ट बेटा सीधा सीधा सा 2 होगा, क्या होगा 2। लेकिन इन तीनों का सम कितना हुआ बेटा 200,
टू प्लस थ्री प्लस फाइव टेन टेन, तो टेन टू बाई टेन आउट ऑफ 300 बस इतना था कर। आगे समझ में तो कितना आएगा 60। अब मैं अगर आपसे कहूँ लार्जेस्ट बताओ, बताओ जल्दी से लार्जेस्ट कैसे निकालोगे आप सर? 150 आएगा सर, 5 बाय 10 इनटू 300। वेरी गुड, 5 बाय 10 इनटू 300। यस वेरी गुड। तो ये हमारे पास बेसिक, तो देखो इस पे छोटे-छोटे से क्वेश्चन 150 जी देखो आप सब बच्चे इस पे देखो छोटे-छोटे से क्वेश्चन। पहले ये रेशो वाला पार्ट और क्वेश्चन वाला पार्ट इसके बाद में करेंगे। पहले तो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, ये भी रेशो में ही रहेगा, सब अच्छे ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा, और समझो सब इसे। हमसे क्या कह रहा है बेटे, हमारे पास दो अलग अलग रेशो होती है, उन्हें मैं कंबाइन करता हूँ। मतलब आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है ए और बी, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ ए अपॉन बी, ये दिया है 7/9 एंड आपको दिया है बी अपॉन सी एंड ये दिया है 15/7, ठीक है? क्वेश्चन देखो, ए अपॉन बी दिया है 7/9 और बी बाई सी दिया है 15/7। आपसे कहता है ए इसको सी बताओ, दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। आपसे ये कह सकता है कि ए इसको बी इसको सी बताओ, और आपसे कह सकता है ए टू सी बताओ, तो दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा ध्यान से देख लो, अगर आपको ए टू सी कहता है तो सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ए अपॉन बी इन टू बी अपॉन सी मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। तो अगर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए अपॉन सी बचेगा। तो वैल्यू निकालो कैसे आया, तो ए अपॉन बी की वैल्यू थी बेटा 7/9 और b upon c की वैल्यू थी बेटे 15/7, तो 7 से तो बेटे 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 5 और 3 से 3, तो फाइनल आंसर आ गया 5/3। और ये 5/3 किसका आंसर आया, a by c। सब बच्चों को समझ में आया? तो अगर आपको सिर्फ a by c निकालना है तो इसका मतलब बेटे b को कैंसिल करो, तो b को कैंसिल करने का तरीका क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, बट ये सिर्फ a by c के लिए। लेकिन अगर हमें a by c निकालना हो तो ABC में ABC भी आएगा और A's to C भी आएगा, दोनों आएंगे, तो उसको देखो जरा ध्यान से हम क्या करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोबारा से देख लीजिए सब बच्चे ध्यान से, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है A upon B, ये है 7/9 और B upon C ये है बेटे 15/7। तो हमें क्या करना होता है, हमें B को इक्वल करना है दोनों में। भाई इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था रिलेशन है, इसका मतलब ये बेटे कि अगर ए 7 रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो बी 9 रुपए इन्वेस्ट करेगा, और अगर बी दूसरे के साथ 15 रुपीज करता है तो सी के साथ 7 रुपीज करने पड़ेंगे, ये रेशो का मतलब। अब हम कह रहे हैं क्योंकि बी कॉमन है तो बी का अमाउंट सेम कर दो। अब एक तो तरीका है कि एलसीएम ले लो, 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, कोई बता सकता है 15 और 9 का एलसीएम? 45 होगा, तो 45 करना है, तो 45 करने के लिए बेटे क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे। लेकिन रेशो होता क्या है, रेशो को ऊपर नीचे दोनों को सेम से करना पड़ता है, तो अगर यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से, और अगर यहाँ 5 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से। तो या तो एलसीएम ले लो, नहीं तो बेटे आप सोच सीधा सा ध्यान से देख लो इधर, अगर एलसीएम याद ना रहे तो आप सीधा सीधा सा क्या करो, आप सीधा सीधा सा क्या करो, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ सीधा 9 से, जो नंबर यहाँ है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ है ऊपर कर दो, तब भी इक्वल आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर कॉमन पार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपके कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने किया बेटे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ मैंने किया बेटे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 7/5 = 35/45 और ये क्या होगा 45/21। ये तो आप सब बच्चे देखो क्या बी का पार्ट सेम आ गया, क्यों भाई बी का पार्ट सेम आ गया नहीं आ गया? तो अब यहाँ से बेटे अब आप कह सकते हो कि ए इज टू बी इज टू सी हो गया बेटे 35 इज टू 45 इज टू 21,
और इससे डायरेक्ट ए टू सी भी निकल जाएगा। लेकिन जब ए टू सी निकालोगे बेटे तो जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैंसिल करना पड़ेगा। 35:20 क्या कॉमन है? 7 5 और 7 3। तो आंसर क्या है बेटे? 5:2। तो ये आपके पास है। तो अगर ए टू सी निकालना है बेटे तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर ए बी सी निकालना है तो बी को हमें सेम करना पड़ेगा। जरा एक क्वेश्चन करके देखो सब बच्चे, ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो किस किस को समझ में आता है। और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेवल तो ज्यादा नहीं करते क्वेश्चन। अभी आप सोचो कि ये लेवल क्या है, ये सोच के देखो जरा एक्स वाई जेड क्या होगा। सर ऑप्शन 3 बेटे आ गया क्या? यस सर बताइए। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वेरी गुड, शाबाश। अच्छा एक चीज और देखो जरा ध्यान से आप सब बच्चे, हाँ लेकिन ए टू सी दिया भाई, ये ए बी सी में तो हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ चलो चलो यहीं से देखो हमारे पास क्या है बेटे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये था कि यहाँ हमारे पास एक्स वाई का रेशियो ही नहीं दिया हुआ, तो वो आपको पहले सोचना है। आपके पास दिया है बेटे एक्स इज इक्वल टू 1/3 y, तो बेटे y को यहाँ लाइए नीचे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, x by y is equals to 1/3, yes or no? हाँ भाई यही होगा ना। तो अगर आपने ये समझ लिया तो बताओ y upon z क्या होगा बेटे? 1/2। yes, very good। अब मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, y by z हो गया 1/2। सब बच्चे देखो इधर ध्यान से, हम कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व ना करें। हमसे कह रहा है ऑप्शन देखो कि भाई हमें एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक्स वाई जेड में भी अगर आपसे कह रहा, इधर देखो सब बच्चे ज़रा ध्यान से, हमसे कह रहा है एक्स इज टू वाई टू जेड निकालो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहला ऑप्शन है 3:2:1 बेटे, आप इनको इक्वल करो या ना करो, लेकिन एक्स और वाई का जो रेशियो होना चाहिए ना बेटे वो 1/3 ही होना चाहिए। एक्स और वाई का रेशियो कितना होना चाहिए? 1/3। बताओ 1/3 किसमें है? ऑप्शन 3 में बेटे। तो इसका मतलब कोशिश भी नहीं करनी सॉल्व की, जब एक्स वाई जेड की बात करें तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो सब बच्चे समझ लो, मेरा जो एक्स अपॉन वाई है वो बेटे 1/3 होना चाहिए, और बेटे जो वाई अपॉन जेड है वो 1/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/2, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो 1:3 और 1:2 सिर्फ सी में हो रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन, तो इसका मतलब आंसर भी है। लेकिन अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है y कॉमन, तो y को इक्वल करेंगे। तो y को इक्वल कैसे करेंगे बेटे? y को इक्वल ऐसे करेंगे कि ऊपर तो 3 है और नीचे 1 है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 3, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/6, ऊपर तो 1/3 रहेगा, तो अब ये 3 कॉमन आ गया, तो ऑप्शन क्या हो गया? 1:3:6। बताओ सबको समझ में आया या नहीं है? चलो ऑप्शन से जरा मुझे चेक करके बताना, जैसे अभी हमने ऑप्शन से चेक किया तो ए बी सी वाला, जरा सब बच्चे मुझे बताना किसको समझ में आ गया किसको नहीं।
ये बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से वो देख। सब बच्चे थोड़ा तेजी से कोशिश करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कौन बता सकता है? ए इज टू बी, टू इज टू थ्री, बी इज टू सी, सिक्स टू इलेवन, ए बी सी क्या होगा? ऑप्शन से चेक करो जल्दी से। सर ऑप्शन थर्ड थ्री। वेरी गुड, शाबाश। और कोई बच्चा क्या सही है? क्या सही है? सी ऑप्शन। सब बच्चे फ्रॉम द ऑप्शंस की हम बात करेंगे, क्या हमारा ऑप्शन सी अभी भी वही आ रहा है? ए इज टू बी, टू इज टू थ्री आना चाहिए। ए इज टू बी क्या होना चाहिए? टू इज टू थ्री, ठीक है बेटे, तो टू इज टू थ्री आ रहा है। और बी इज टू सी बेटे, सिक्स इज टू इलेवन आना चाहिए। क्या सिक्स टू इलेवन आ रहा है? जी सर, यही ऑप्शन है, क्योंकि अगर पहले वाले में हम देखते तो ए इज टू इज टू थ्री तो है, लेकिन बी इज टू सी, सिक्स इज टू इलेवन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ही सही है। तो हमें कुछ करना ही नहीं है जब ए बी सी की बात करें, ठीक है सब बच्चे? आइए चलिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे से दिए हुए हैं वो देखो। ये जैसे मैंने अभी बताया था सब बच्चों को, पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर देना सर। सब बच्चे आंसर दो जरा जल्दी से, इसका ऐसे ही रख दो। बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। ऑप्शन थर्ड। जी सर। बताइए मुझे, ये क्वेश्चन दिया है। चलो एक तो यही देख लो, ये क्या है, फिर एक और देख। ये बिल्कुल वही सेम अभी जो बताया है, नंबर्स ज्यादा हो गए लेकिन उससे डरना नहीं है, बिल्कुल जो ऑप्शन बताया उसी से करना है। ए बी बी सी सी डी, वी नीड ए टू डी। जो कॉन्सेप्ट ए टू सी का है बेटे, वही कॉन्सेप्ट ए टू डी का है, कुछ नहीं सोचना है, जल्दी से करो, बताओ आंसर। जिस बच्चे को समझ में ना प्लीज पूछ लीजिएगा, घबराइए मत, मैं शर्मा। जी बेटे ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर बेटे, सीधा मल्टीप्लाई करना है सब बच्चे से। होंगे ए अपॉन बी दिया है बेटे, बी अपॉन सी दिया है बेटे, सी अपॉन डी दिया है, तो बेटे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ए टू डी बचेगा। तो ये तो मैंने करके दिया है, अदरवाइज तो आप सीधा नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4, 5/7, 8/9, आप सिर्फ नंबर को करते हैं। तो 4 से बेटे 2, 3 से बेटे 3, तो 5 2 10, 7 3 21 है बेटे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी आ गया समझ में सब बच्चों को? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी भी वही है बेटे लेकिन शक्ल उसकी चेंज कर दी, तो डर लगेगा थोड़ा सा, डरना नहीं। वेरी नाइस, सब बच्चे अगर कोशिश करें तो इसको पहले फ्रैक्शन की जगह सेम इंटीजर्स में ले आइए और ऑप्शन से चेक कर लीजिए। इल्मा कुछ कह रहे हो बेटे? इल्मा कुछ कह रहे हो बेटे?
नो सर। सब बच्चे मैं कह रहा हूँ, पहले मैं चलो एक ऑप्शन बता दूं आप सब बच्चों को। एक्चुअली क्या दिया है बेटे, यहाँ फ्रैक्शंस में रेशो है और रेशो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या मतलब बेटे, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 2/9 अपॉन 1/3 दिया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। 2/9 इज टू 1/3, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2/9 इंटू 3/1, तो 3 3 जा ऐसे। और नहीं तो अगर मैंने ऐसे लिख लिया है तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल रेशो क्या आ गया, तो फाइनल रेशो आ गया 2/3। तो इसी तरह से b by c को चेंज करिए, इसी तरह से c by d by c को। अच्छा यहाँ देखो बेवकूफ बनाया आपका, बेवकूफ क्या बनाया, d by c लिखा हुआ है बेटे, सीक्वेंस c by d होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर एक बार चेंज कर लो फिर आप ऑप्शन से ही चेक कर लेना आंसर कौन सा है मेरा। चेक करो सब बच्चे, इतने में कोई और क्वेश्चन नहीं होगा, सब बच्चे ट्राई करो। अभी अजान होगी तो आप नमाज पढ़ रहे, अभी नहीं मगरिब ही पढ़ी क्या नहीं, चार ईशा में होते हैं, तो ईशा की भी अजान नहीं है। वेट करेंगे, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तो अजान, अरे अब होगी ना, अब देख सुन लेना मुझे क्या कह रहे हो। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है, 3/2 छुई थी आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हो चुकी है इसके दान। अब सच कह रहा सच्ची हो गई थी तभी मैंने पढ़ी, और टाइम भी हो चुका है, जो मनाना होता है ना पता नहीं रहता, वो बात से पढ़ लेते हैं, दान बात से ले लेते हैं। जैसे एक से जब एक बच जाता है तभी टाइम हो जाता है नमाज पढ़ने का, और अब 8-7 बज चुका तो टाइम हो गया, तो मैंने पढ़ ली। ये बाद में अजान देते हैं मौलाना साहब, मैंने पहले पढ़ ली, वो बाद में दे देते हैं। क्या टाइम हो रहा है देखो, अभी आपको एक छट्टी हो रहा है तो देखो खामोश हो जाएंगे बाप। जी बेटे आंसर आ गया क्या सर, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बेटे, ऑप्शन टू हमारा आ रहा है 16/24, 2:3। अच्छा ये बी का तो 2:3 है, बी सी का क्या है, 2 से 2 का, बी सी का है सर 4:5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास रेशो होना चाहिए, तो रेशो क्या होगी बेटे, ए इज टू बी, ये होगा बेटे 2/9 इंटू 3/1, फाइनली 2/3, और बी अपॉन सी बेटे क्या होगा 2/7 इंटू 14/5, 4:5, C to D बेटे, ठीक है हमारे पास जो है D to C है, तो D to C का उल्टा करेंगे बाद में, पहले यहाँ D to C लिख लेते हैं, 7/10 multiply by 5/3, ये हो गया 7/6, तो C to D बेटे 6/7, ये हमारे पास है।
अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, ऑप्शन से। अगर हमारे पास ये है ए बाई बी टू इज टू थ्री है, ठीक है, बट बी बाई सी फोर बाई फाइव में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, कुछ नहीं करना इसका। फिर हमारे पास क्या है सेकंड वाले में टू बाई थ्री, एट टू जा एट थ्री जा, यस ये तो है। फिर फोर बाई फाइव, सिक्स फोर जा सिक्स फाइव जा, ये भी है। फिर थर्टी सिक्स बाई सेवन, तो सिक्स बाई सेवन देखिए जरा है या नहीं, फाइव सिक्स जा फाइव सेवन, सेकेंड ऑप्शन है। आप कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं, सब बच्चे बताइए है या नहीं है जी सर। आप कौन सा कह रहे थे ऑप्शन, यही कह रहे, हाँ भाई सब बताओ ना, एक दो बच्चे की हूँ बाकी। यस सर ऑप्शन टू होगा ना, ये हमारे पास है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन ये हमारे पास है। ये वैसे बेसिकली तो रेशो में भी कह सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम में भी कह सकते हो, इसे देखो क्या समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन नजर आया सब बच्चों को, ये LLB 2018 का क्वेश्चन है। में रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन है। बताओ कौन बच्चा बताएगा इसको, तो ये लेवल है क्वेश्चंस का। बस द रेशियो ऑफ फादर एज टू हिज सन एज इज 8:5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 14:14, The ratio of their age after 6 years. मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ बेटे कि आप पहले उनकी करंट एज निकालो इस पार्ट से, गिवन से कि भाई फादर का और सन का एज बेटे 8:5 दिया हुआ है, और यहाँ सम नहीं दिया, प्रोडक्ट दिया है बेटे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दिया बेटे 14:40। तो क्या आप में से कोई बच्चा फादर की और सन की करंट एज निकाल देगा इस गिवन पार्ट से? यहाँ ध्यान रखना सम नहीं है बेटे, प्रोडक्ट है, तभी आप सम से निकाल। बताइए बेटे, करना उसी तरह से जैसे करते आ रहे हैं सर। 8x+6 बेटे, 8x+6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 8x+6, क्या हो जाएगा 8x+6 is to 5x+6। ओके बेटे, मैंने तो अभी आपसे 6 वाली बात कही नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ क्या आप ये जो मैंने लिखा है इससे क्या आप करंट एज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन तो 6 साल बाद की उम्र की बात कर रहा है, मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज की उम्र निकाल, 6 साल बाद तो बाद में सोचेंगे। नहीं समझ में आया सब बच्चों क्वेश्चन? देखो अगर रेशो में नंबर प्लस या माइनस प्रोडक्ट कर देंगे ना सर, सर A 48 B 30, A 48 आया जी, B 30
ए 48 आया और बी 30 आया जी. अच्छा ठीक, करंट एज जी सर ना, तो प्लस 6 करो, आफ्टर 6 का मतलब क्या हो जाएगा तो सर 54 और 36, और 36. तो अब इनका रेशो निकाल दो कितना आएगा सर. 9:6 ऑप्शन है. आओ सब बच्चे देखो हुआ क्या, आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, सारे बच्चे बेटे इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब तो रेशो सेम रहता है, लेकिन अगर सेम नंबर प्लस करें तो रेशो चेंज होता है. तो प्लस 6 करके वैल्यू नहीं निकाल सकते या चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए यही है हम ये कंसीडर करें. हमने क्या कहा, ये फादर है और ये सन है और इनका रेशो दिया है बेटे 8:5 और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ था 14:14. यही लिख देता हूँ, इतना ही लिखना भी चाहिए. तो ये हो गया 8x और ये हो गया 5x और इनका प्रोडक्ट हो गया बेटे इनटू और वो हो गया इज इक्वल टू. यस सर नो, सब बच्चे बताओ ठीक है. तो इनटू प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट कर देंगे. यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि भाई फादर की एज 8/13 है इनटू दिस. अगर सम दिया होता दोनों की एज का तब हम कर लेते कि फादर इज 8 आउट ऑफ 13 हाउ मच इन दिस, लेकिन सम नहीं दिया प्रोडक्ट दिया तो अब इससे कैंसिल कर दो. अगर आप इससे कैंसिल करोगे तो 5 से बीते पहले 5 से कर दो, 5 2 जा 10 44 5 8 जा 5 सिंपल सा. फिर 8 से करके देखो बेटे हो रहा है क्या, 8 3 जा ठीक है ये मत पास 24 4 8 6 जा. तो हमारे पास क्या आया बेटे, x स्क्वायर की वैल्यू आई है, ध्यान रखना 36. तो x की वैल्यू बेटे 6 आई. अगर x की वैल्यू 6 आएगी बेटे तो 8 6 जा 48 एंड 5 6 जा 30. तो ये हमारी करंट एज आ गई फादर की और सन. आपसे कह रहा था 6 साल के बाद की रेशो बताओ, तो बेटा ये हो जाएगा 6 साल के बाद 48 + 6 + 30 + 6 ये कैंसिल कर दो 18 से. तो 18 से करेंगे 18 3 जा 18. अब बताओ सब बच्चों को समझ में आया जी सर. ये लेवल है बच्चे आपके लॉ का है, एग्जामिया का 2018 का क्वेश्चन. अच्छा सा क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये आता है एग्जाम है कुछ नहीं बट कंफ्यूज करता है और ये आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं. अच्छा इसको भी चलो मैं आपको बता भी दूंगा, ये अच्छा है क्वेश्चन आगे. पहले मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बताऊंगा, मतलब फिर आपको देखो इधर होता क्या है बेटे, आपसे कह रहा है 6200 को डिवाइड करो इनटू 3 पार्ट्स ठीक है, 1:2 1/2 1/3 1/4. अब आप सब बच्चे पहले एक चीज समझ लो, सारे बच्चे एक चीज पहले समझ लो. सम टाइम हमें क्या दिया रहता है बेटे, हमसे कह रहा है a:b:c:1/2 1/3 1/5 ठीक है. तो आपसे कह रहा है a:b:c बताओ, तो ये बेसिकली ये रेशो नहीं है, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता बेटे ठीक है. तो रेशो को उसमें इंटीजर्स में करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं ठीक है. तो हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ है 1/2 1/3 1/5. मैंने आपसे कहा था सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशो चेंज नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा बेटे, अगर कभी कुछ ना है तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो सीधा सीधा था 2 3 6 5 30, तो इन सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा से. अब आएगा फाइनल रेशो 15:10:6. सब बच्चों को समझ में आ गया. तो अगर रेशो कभी भी फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो एलसीएम लेके सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो रेशो इंटीजर में हो जाएगा. अब हम कर सकते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसलिए अब आप वैसे ही चेक कर लो 6200 को डिवाइड करना इनटू 3 पार्ट्स. ध्यान से देखो सब बच्चे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप सॉल्व तो कर ही लेंगे. अगर मैं आपसे कहूँ
एक को चेक कर लो, दूसरा अपने आप चेक हो जाता है। मुझे कोई बच्चा बताएगा ए का पार्ट कितना होगा? ए का पार्ट कितना होगा? ए का पार्ट होगा बेटे 15। कितने में से बेटे टोटल बताओ इनका कितना हुआ? 31 बेटे। और वो कितना था अमाउंट? 6200। 31 से बेटे 2 आ जाएगा तो 15 टू जा 3000। देखो ए 3000 किस में है बेटे? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो एक तो इस तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ कि अगर पहले तो चेक कर लो कि क्या इन सबका सम 6200 है या नहीं है। हो सकता है किसी का 60 वो ना हो 6200। दूसरा फिर रेशो देख सकते हो कि 15:10 है या नहीं, 10:6 है या नहीं, 15:6 है या नहीं, कोई सा भी एक दो रेशो चेक कर सकते। तो चॉइस आपकी, आप सॉल्व भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? जी जी सर। थक गए क्या? भूख लग रही क्या है भाई? भूख लग रही, बोलो। चलो एक क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं। हाँ ये देखो इस तरह से लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह। ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए बी सी। बताओ शाबाश, पहले स्टेटमेंट लिख लो तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जो अभी हमने सेम क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप इसको दूसरे तरह से भी सोच के कर सकते हैं। जो भी हम कर रहे थे हमने किया। जी बेटा सर, ऑप्शन वन है क्या? ऑप्शन 2 times of A is equals to 3 times of B. अगर 1 में करें बेटे, क्या ये वाली बात पूरी हो रही है? 2 times of A equals to 3 times of B. आपने जो 1 option बताया है सर, option 4 होगा। नहीं मालूम, चेक करूंगा। आप चेक करो भी तो। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे 2 times of A is equal to 3 times of b. तो सर 2a is equal to 3b is equal to 4c हो सकता है, तो हम उससे a by b निकाल सकते हैं 3/2। शाबाश, ऐसे करके, और b by c निकाल सकते हैं 4/3। यस वेरी गुड, और फिर उससे a b c निकाल सकते हैं। यस, तो a b c का आंसर क्या आया बेटे? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आया? कर सकते हैं अभी हम इससे भी इजी कट करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन और कोशिश करेंगे इससे भी इजी करने। फोर्थ आएगा, फोर्थ आएगा। चलो सब बच्चे चेक करो भाई, हमारे पास क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 6 2 है, 3 टाइम्स ऑफ बी मतलब 3 4 2 है, ये बात सही। आल्सो इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी, तो 4 3 2 है, ये भी बात सही। यस और नो सब बच्चे बताओ हमें। अब चलो ये तो हमने ऑप्शंस चेक किए, अब हमसे क्या कह रहा है बेटे? हमसे कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए equals to 3 times of B equals to 4 times of C। अब सब बच्चे देख लो, एक तो जो बच्ची ने हमारी कहा, मारिया ने, शायद मारिया ने कहा था ना? जी सर। तो मारिया ने कहा कि सर हम A upon B ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? A upon B हमारा आ जाएगा बेटे 3/2। और इसी तरह से बेटे हम B by C ले लें, तो हम B by C ले सकते हैं बेटे 4/3, और फिर हम A B C निकालते। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन एक इससे इजी वे होता है बेटे, जब भी इस तरह से मल्टीपल्स में दिए, देख लीजिए जरा ध्यान से, 2a is equals to 3b is equals to 4c, तो all three are equal, तो इसको हम सपोज कर सकते हैं किसी भी चीज के, ठीक है, x ले लीजिए, y ले लीजिए, तो यहाँ से बेटे आएगा क्या, सब बच्चे देख लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी बेटे x by 2, b की वैल्यू आ जाएगी बेटे x by 3, और c की वैल्यू आ जाएगी बेटे x by 4। यस और नो सब बच्चे बताओ, सब बच्चे बताइए आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं रेशो लू ना बेटे, अब मैं अगर रेशो लू तो a is to b is to c बेटे आ जाएगा x by 2 x by 3
एक्स बाई फोर और रेशो में बेटे एक्स भी कट जाएगा, तो फाइनली जो रेशो हमारा आएगा वो हमारा रेशो आ जाएगा 1/2:1/3:1/4। तो अगर कभी भी बेटे मल्टीपल में रेशो दिया हुआ हो तो वो रेशो रेसिप्रोकल में हो जाता है। तो 2a की जगह 1/2 आ गया, 3b की जगह 1/3 आ गया, 4c की जगह 1/4 आ गया। तो जैसे ही आपको मल्टीपल में रेशो दे दे आप उसको रेसिप्रोकल में कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं? हाँ भाई, ऊपर दिया हुआ था मल्टीपल में, हमने रेशो को किसमें ले लिया? रेसिप्रोकल लोकल। अब वो वाला पार्ट कर लो जो हमने ऊपर किया था कि एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा बेटे? कुछ भी ना हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, 24 होगा, वैसे तो 12 होता है, नहीं तो आप 24 कर दो उससे भी आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको बेटे, आंसर आ गया आपका। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 4, 3। समझ में आया सबको या नहीं? ठीक है बेटा, इस तरह से आप कर लीजिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरी वहाँ पे है, ठीक है? तो उसे आप चेक कर लेना सब बच्चे। और अगर आप बोर्ड की बात कर रहे हो तो मैं बोर्ड ये तो मैं ग्रुप में डाल दूँ और किसी को इंडिविजुअली कोई अच्छी मैं भी आपके ग्रुप में इंसर्ट कर रहा हूँ कोड, उससे आप लॉग इन कर लीजिएगा। और सबके पासवर्ड आईडी बने हुए हैं या नहीं ये बताइए जी। सर बने हुए यूजर आईडी पासवर्ड, इस चीज से आप पहले मेल करोगे तभी आप उसे करोगे। मैं आपको गूगल क्लास में दो दिन बाद का बच्चे में इंसर्ट कर रहा हूँ, वहीं पे शुरू है, बहुत अच्छी। इसको क्वेश्चन उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी का मेडिकल भी जल्द दे दिया। सर हेलो जी, सर ये ए वो 1/2:12 वाला बताइएगा सर एक बार प्लीज। सर रेशो कितना आ गया बेटे? 1/2:1:1/3:1/4। इसका एलसीएम ले लो 12 सर, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 2, 3, 4 का 12 आ गया सर। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका रेशो आ गया। नहीं आया सर सर मतलब हमारे पास क्या है बेटे समीन, ए बी सी हमारे पास आया बेटे 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है? तो रेशो जो फाइनली हमारा आ गया ए बी सी वो सीधा सीधा सा 1/2, 1/3, 1/4, लेकिन बेटे रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, लेकिन ऐसा नंबर लीजिए जिससे जो सबसे कैंसिल होता है या एलसीएम से एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 2, 3, 4 का जो आएगा वो 12 आएगा। आप चाहो तो 24 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम 2, 3, 4 is 12, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 into 12, 1/3 into 12, and 1/4 into 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। आप समझ में आ गया? जी सर। कल तक इंशाल्लाह इसको कर लीजिए, कल इंशाल्लाह। सर मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया आपको, मैं भी तेरे को भी दोबारा ठीक है कल डिस्कस कर लेंगे। सॉरी।